हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के तहत 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। बृहस्पतिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद राव चिरंजीव ने रेवाड़ी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया और इस दौरान चिरंजीव के साले और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ थे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि 5 साल तक बीजेपी की सरकार में कितना काम हुआ वह किसी से नहीं छुपा है। इसके अलावा उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि रेवाड़ी से चिरंजीव राव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार वह यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जनता से अपील भी की कि वे राव चिरंजीव को ही वोट दें। बता दें कि 21 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जबकि 24 अक्टूबर को इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। न्यूज़ डेस्क।